दोस्तों, ये है हमारी दुनिया का यूरोप। हमारी एशिया की तरह ही दुनिया का एक कॉन्टिनेंट के जिसमें बेशुमार देश पाए जाते हैं, मगर पिछले 2-3 दिन से अचानक से हद से ज़्यादा चर्चाओं में आ चुका है। वो इसलिए क्योंकि यूरोप के अंदर इस वक्त कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आसान शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे यूरोप में हाहाकार मचा हुआ है, या फिर ये कहिए कि यूरोप में तांडव मचा हुआ है। ये हैरानी की ही बात है कि वो यूरोप के जो एक लंबे वक्त से रसिया और यूक्रेन की जंग में लगा हुआ है, और इस वक्त उसको इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर में भी दिलचस्पी लेने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, वो यूरोप खुद अपने ही इलाके से बाखबर है कि उसके इलाके में क्या चल रहा है, क्या बड़ा कांड हो रहा है या फिर क्या बड़ा कांड होने जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त पूरे यूरोप में सड़कों पर सिर्फ ट्रैक्टर्स ही ट्रैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। हर तरफ सड़कें जाम पड़ी हुई है। पुलिस और बाकी सिस्टम भी कुछ भी कर पाने में, यानी कि इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर पाने में असमर्थ नज़र आ रहा है। ये दरअसल यूरोपियन किसानों का वो प्रोटेस्ट है कि जो शुरू तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन इसको हद से ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा था, और यूरोप की लगभग सभी हुकूमतें अपने लोगों के इस मुद्दे को छोड़कर, इस परेशानी को छोड़कर रसिया, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन यानी दुनिया भर के मुद्दों पर ध्यान दे रही थी। मगर जैसे जैसे हुकूमतों ने इसको इग्नोर किया, वैसे वैसे हर गुजरते दिन के साथ लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया, और अब ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा तेज और इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। वैसे तो इस तरह की खबरें हमारे पास पिछले कई दिनों से लगातार आ ही रही थी कि यूरोप के किसानों ने अपने ट्रैक्टर्स की मदद से वहाँ की बड़ी बड़ी सड़कों को जाम कर दिया है, लेकिन दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले ही अचानक से हालात उस वक्त और भी ज़्यादा ख़राब हो गए और मामला और भी ज़्यादा भड़क गया कि जब इन किसानों के कानों में ये खबर पहुंची कि इनके सारे लीडर्स यानी कि पूरा यूरोपियन यूनियन अब रसिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने के लिए 50 बिलियन यूरोज का ऐलान करने वाला है। बस फिर क्या था, इन सारे ही लोगों ने मिलकर बेल्जियम देश में मौजूद यूरोपियन यूनियन के उस पार्लियामेंट को ही घेरना शुरू कर दिया कि जिसके अंदर यूरोप के सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, यानी जिसके अंदर ही यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए सारे फैसले और सारी मीटिंग्स वगैरह की जाती है। इन लोगों ने सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट को अपने बेशुमार ट्रैक्टर्स की मदद से चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, और उसके बाद फिर इन लोगों ने पार्लियामेंट के ऊपर अंडों की बरसात कर दी, यानी कि अंडों को ही फेंकना शुरू कर दिया। आगजनी भी हुई, और जब हालात और भी ज़्यादा पुलिस ने बिगड़ते हुए देखे तो कंट्रोल करने के लिए सख्ती दिखाई। नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच कलेश हुआ, यानी कि आपस में झड़पें हुई, और तो और झड़पें इस लेवल की हुई कि आसपास में जो स्टैचू वगैरह लगे हुए थे वो तक टूटे हुए नजर आए। और यूरोप के किसान ये सब कुछ उस वक्त कर रहे थे कि जब उनके देश के लीडर अपने लोगों को छोड़कर यूक्रेन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, यानी यूक्रेन को रसिया के खिलाफ कितनी मदद दी जाए इस बारे में मीटिंग कर रहे थे। तो दोस्तों, अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये किसान लोग इस लेवल का प्रोटेस्ट कर ही क्यों रहे हैं, आखिर इन लोगों को परेशानी क्या है। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे, इस पूरे प्रदर्शन के पीछे कई वजह है। मिसाल के तौर पर यूरोप के किसानों को लेकर बनाए गए सख्त कानून, सख्त नियम, इसके अलावा चीप एक्सपोर्ट या फिर चीप सेलिंग प्राइज, और साथ ही साथ सब्सिडीज वगैरह का ख़त्म करना या फिर उसमें कटौती वगैरह करना। महंगी किसानी करने के बाद जब ये सारे किसान लोग अपनी फसल को तैयार करके बेचने के लिए जाते हैं, तब इनको हद से ज़्यादा कम दाम मिलते हैं। और तो और इसके ऊपर भी एक परेशानी की बात ये है कि जब वहाँ के किसानों का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, यानी लागत ज़्यादा लग जाती है, तो यूरोप के ज़्यादातर देश अपने किसानों को उनका खर्चा कम करने के लिए और सब कुछ वसूल करने के लिए सब्सिडी वगैरह देते हैं। लेकिन आज के डेट में यूरोप के ज़्यादातर देश या तो इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस पर कटौती वगैरह कर रहे हैं, जिसमें जर्मनी और फ्रांस का नाम भी ऊपर आ रहा है। फिलहाल दुनिया के ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये सब तो अभी शुरुआत है। उसकी वजह यही है कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से तसल्ली तो दी जा रही है और कहा जा रहा है
कि हम लोग किसानों की मांग पर काम कर रहे हैं, मगर वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि इसके उलट इन लोगों की तरफ से अब यूक्रेन की मदद को पास भी कर दिया गया है और यानी कंफर्म हो गया है कि 50 बिलियन यूरो यूक्रेन को दिए जाएंगे, बावजूद इसके कि इनके किसान इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर गुस्सा है कि आखिर हमको छोड़कर बाहर की चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।